बसमिल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्राम ट्रांसलेशन स्टडीज़ फंक्शनल थीरीज ऑफ ट्रांसलेशन सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड फंक्शनल थीरीज़ ऑफ़ ट्रांसलेशन फोकस ऑन दी परपज़ एंड फंक्शन ऑफ़ ट्रांसलेशन फंक्शनल थीरीज ऑफ ट्रांसलेशन का फोकस किस चीज़ पर होता है कि ट्रांसलेशन का क्या पर्पज़ है और ट्रांसलेशन के क्या फंक्शन हैं इस चीज़ पर फंक्शनल थीरीज ऑफ ट्रांसलेशन का फोकस होता है एंड व्यू ट्रांसलेसन एज अ कम्यूनिकेटिव एक्ट और ट्रांसलेसन को जो है एज अ कम्यूनिकेटिव एक्ट के तौर पर जाना जाता है व्यू किया जाता है दैट सर्स स्पेसिफिक फंक्शन इन अवनटेक्ट और इसके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं किसी भी कंटेक्सट में इसके देयर आर लाइक हमारे पास मुख्तफ फंक्शनल थीरीज़ हैं और उन सब का एक ही पर्पज़ है कि इेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चरल कम्यूनिटीज़ मतलब एक ट्रांसलेटर क्या करता है एक ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी के जब वो कोई टेक्स्ट ट्रांसलेट करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी कि उनके कल्चर को भी समझे जिस लैंग्वेज के टेक्स्ट को वो ट्रांसलेट कर रहा है ये ज़रूरी है कि ये जो ट्रांसलेटर है वो उनके कल्चर को भी समझे फिर हमारे पास थीरी आती है स्कोपोस थीरी स्कोपोस जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एम या पर्पस और इसको इंट्रोड्यूस किया था नाइनटीन में किसने किया था हेन् स्टे वर्मर ने जिसकी डेट ऑफ बर्थ नाइनटीन थर्टी और डेथ इसकी नाइन टू थाउजेंड टेन में होगी और ये एक टेक्निकल टर्म है और इसका मकसद भी यही है इसका पर्पस भी यही है कि ट्रांसलेशन के क्या पर्पस हैं ठीक है ठीके? तो इसका पर्पस क्या है इसको थीरी का कि ट्रांसलेशन का मकसद क्या है द मेजर वर्क ऑन इसको थ्री इज़ इस ट्राइस एंड वर्मर्स तो ये दो राइटर्स इसने, इसने, इन इसने इस दोनों ने जो है इस पर बड़ा काम किया है ठीक है अब आगे जो है लाइक स्कोपोज थीरी ये अगेन वही चीज़ मेंशन है कि एक जर्मन ट्रांसलेटर ने जो है आ, इसको जो है लाइक like, इंट्रोड्यूस किया था हैंस डे वर्मर और नाइनटीन सेवेंटीज़ में अब स्कोपोज थीरी का मकसद क्या है स्कोपोज थी पॉजिट दैट द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन इज डिटर्मिन बाई इट्स इंटेंडेड फंक्शन इन द टारगेट कल्चर एंड द द्रांसलेटर्स टास्क इज टू क्रिएट अ ट्रांसलेशन दैट विल दैट फंक्शन कि ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है कि जो टेस्ट जो चीज़ वो ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है जो जिस लैंग्वेज के लिए जिस लोगों जिन लोगों के लिए वो ट्रांसलेशन कर रहा है उनके कल्चर को भी समझे ताकि उससे जो है जो इंटेंडेड मीनिंग है वो निकल आए मींस के जो एक मकसद होता है कि हमने ये टैक्स से ये मीनिंग निकालना है या इनको ये समझाना है वो चीज़ इससे जो है मतलब ये हमारा मकसद होना चाहिए इसको पोज में कि उससे जो है वो चीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए यहाँ पे वर्ड भी यूज़ किया गया है फुलफिल दैट फंक्शन कि वो फंक्शन जो है फुलफ़िल होना चाहिए दिस मीन दैट द ट्रांसलेटर मस्ट टेक इंटू अकाउंट नॉट ओनली द देंग्वस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द टारगेट लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसलेटर के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसको लैंगवस्टिक या जो कल्चरल डिफरेंसेज है उसका पता हो बिटवीन टारगेट सोर्स टेक्स एंड टारगेट सो लाइक आपके लैंग्वेज सपोज ट्रांसलेटर जो है वो क्या है एक uh, इंग्लिश मैन है ठीक है इंग्लिश उसे आती है वो इंग्लिश उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है और जब वो टेक्स्ट ट्रांसलेट करेगा और वो स्पेनिश टेक्स्ट uh, को ट्रांसलेट करेगा तो जो स्पेनिश टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा ट्रांसलेटर के लिए क्या जरूरी है ट्रांसलेटर के लिए ये भी ज़रूरी है कि सबसे पहले उनके लैंग्विस्टिक फ़ीचर्स को समझे फिर उनके कल्चर को समझे चलो ये दोनों तो उसको समझ आ गई फिर आगे इन्होंने क्या किया कि द टारगेट लैंग्वेज बट आल्सो द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्ट इन विच द ट्रांसलेशन विल बी यूज और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि यानी उनके कल्चर को भी समझना ज़रूरी है कि उनके कल्चर के जो कंटेक्सट उसमें वो वर्ड को किस तरह लिया जाता है उसको किस तरह यूज़ किया जाता है यानी फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है इनफार्मल इनफार्मल वे में यूज़ किया जाता है सो so ये चीज़ वे एक ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है रेलिवेंस थी ये दूसरी तेरी है एन अदर इंपॉर्टेंट फंक्शनल थीरी दैट इज़ द रेलिवेंस थी डिवेलप बाई दॉगनेटिव साइंटिस्ट डेंस पेरबर एंड डायरिया वेल्सन ये नाइनटीन एटीज़ में और दूसरी जो थीरी थी वो नाइनटीन सेवेंटीज़ में पब्लिश हुई थी सो so, इसमें क्या है रेलिवेंस थ्री पॉजिट्स दैट द कम्युनिकेशन एमज़ टू क्रिएट रिलिवेंस फॉर द रेसिट एंड द ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रेलिंस अक्रॉ अक्रॉस डिफरेंट लैंग्विस्टिक एंड कल्चर कॉन्टेक्स तो इससे ये एक देखो एक वर्ड है रिलेवेंस या रिलिवेंट आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक रहे मीन्स एक दूसरे के साथ ताल्लुक बने रहे ट्रांसलेशन का क्या मकसद होना चाहिए रेलिवेंस थीरी में कि एक तो आप ओब्वियसली आप उनके कल्चर से वाकिफ़ हो जाते हो और उनके लैंग्विस्टिक जो उनके जो सिस्टम जो लैंग्वेज है उससे आप वाकिफ़ होते हो तो इससे क्या होगा इससे जो है ओब्वियसली एक रिलेवेंस uh, मीन्स एक किस्म का ताल्लक़ भी क्रिएट होगा दोनों uh, जो ट्रांसलेटर हो या कोई और जो उनके कल्चर के लोग हो उनके दरम्यान दिस एम्स दैट दिस मीन्स दैट द ट्रांसलेटर मस्ट टेक इन टू अकाउंट नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ दिस बट आल्सो द दिव प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टारगेट ऑडियंस और फिर उनके कोगनेटिव प्रोसेस की भी बात की है मतलब जैसे मैंने बताया कि एक अंग्रेज़ है जब वो ट्रांसलेट करेगा अगर वो स्पेनिश टैक्स को ट्रांस तो उनके कोगनेटिव प्रोसेस को भी उसने समझना होगा ठीक है और उनके क्या एक्सपेक्टेशन हैं जो मतलब सपोज स्पेस लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उस ट्रांसलेटर से उस ट्रांसलेटर से आ, ये भी उस ट्रांसलेटर ने समझना है तो ये टारगेट ऑडियंस उसने देखना है कि किन लोगों के लिए ये जो है ट्रांसलेट कर रहा है जिससे इसका तल्लक बने

दैट इन् मोर देन जस्ट द ट्रांसफर ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग फॉम वन लैंग्वेज टू इन आदर ट्रांसलेसन में यही होता है ना कि आप वर्ड्स या ट्रां एक लैंग्वेज के टैक्स को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो या वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हो दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांसलेसन एंड फॉर मेकिंग इनफॉर्म डिसीशन अबाउट हाउ टू ट्रांसलेट टेक्स्ट इन अ वे दैट मीन्स दैट नीड्स ऑफ बोथ द सोर्स एंड टारगेट कल्चर्स दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो की एंडिंग होती है नेक्स्ट वीडियो में हम पॉली सिस्टम तीरी क्या है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में उसको डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई कि वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ से